नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज पाइनियर की बेस ट्यूब को घर पे सेट करने वाला हूं और बहुत ही सस्ते एम्पलीफायर के साथ। अगर आप भी अपने कार सिस्टम को, कार म्यूजिक सिस्टम को या कार बूफर को घर पे लगाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, हाउ टू यूज कार म्यूजिक सिस्टम एट होम, जिसमें आपको मिल जाएंगे कम से कम 10 सबवूफर की टेस्टिंग और कैसे आप एसीडीसी कन्वर्टर के माध्यम से या एम्पलीफायर के माध्यम से सबवूफर को घर पे बजा सकते हो। उसके लिए पूरा सेटअप मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी मैं ऐड करने वाला हूं हाउ टू यूज कार म्यूजिक सिस्टम एट होम वाली प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 110% आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सबवूफर कैसे आप घर पे चला सकते हैं। आज का जो वीडियो है गाइस, वो बहुत ही सस्ते एम्पलीफायर से हम पाइनियर की बेस ट्यूब की टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे उस एम्पलीफायर की, जो कि एसी करंट से चलेगा। मींस आपकी जो घर की लाइट है उससे आप चला सकते हो, जिसके लिए आपको एसी डीसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो काफी यूजफुल है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको मैं रेंज बता देता हूं इस एम्पलीफायर की, जिससे मैं बजाऊंगा पाइनियर की बेस ट्यूब, मात्र 500 से 600 रुपए, और अमेजोन पे आप इसको खरीद सकते हैं 700 से 800 तक। ऑफलाइन हो सकता है आपको ये सस्ता मिल जाए, लेकिन अमेजोन की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में। उससे कंपैरिजन में जो भी प्रोडक्ट हैं, मींस 1000 तक की रेंज में मैं आपको एम्पलीफायर सजेस्ट करूंगा, वो आप लगा के अपनी बेस ट्यूब को घर पे बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले दिखाते हैं उस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग। तो गाइस देख सकते हैं, हमारे पास है ये एम्पलीफायर, जिसका बॉक्स हम ओपन करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि इस बॉक्स के साथ साथ हमें क्या क्या मिलने वाला है। मींस इस बॉक्स में क्या हमें कोई वायरिंग मिलेगी या सिर्फ हमें मिलेगा एम्पलीफायर, और किस टाइप का ये एम्पलीफायर है जो कि आप घर पे भी चला सकते हैं एसी करंट से। तो चलिए हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आपको जो एम्पलीफायर मिलने वाला है वो कैसा लग रहा है। देखिए गाइस, पैकिंग बहुत सिंपल है क्योंकि ये ऑफलाइन लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं, और ये एसी करंट से चलने वाला एम्पलीफायर है, तो आपको एक प्लग भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी डीसी कन्वर्टर वाले होते हैं, जो कि डीसी करंट मींस कार से जो चलते हैं, उनका आप देखेंगे तो उसमें प्लग नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इसमें एक डिवाइस लगी है जिसे हम पूरा स्टीरियो के यूज़ में लेंगे, मींस इसमें यूएसबी बीटी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑक्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वॉल्यूम, बास एंड ट्रेवल, मींस जो साउंड की क्वालिटी मैनेज करते हैं, जैसे डीएसपी में आप करते हैं टच स्क्रीन स्टूडियो में आप डीएसपी का ऑप्शन मिलता है, उस टाइप से इसमें नोब मिलेगी, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस एम्पलीफायर का बेस और ट्रबल, मींस जो भी साउंड क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड में, तो आपको स्पीकर कनेक्शन के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा, हालांकि मैंने एक स्पीकर भी कनेक्ट किया है, वो भी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूं। अगर आप इसमें 6 स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो 6 स्पीकर आपके इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, एंड 2 आपको जो बेस ट्यूब या साउंड है वो लगाएंगे तो आपको साउंड क्वालिटी उसमें अच्छी मिल जाएगी। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एक ही बेस ट्यूब लगाएं, क्योंकि एक बेस ट्यूब के लिए ये एम्पलीफायर पर्याप्त है। तो चलिए, ये एक बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें ओवल स्पीकर हमने लगा रखा है। एंड अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो पाइनियर की एक ओल्ड मॉडल बेस ट्यूब है, जिसकी टेस्टिंग मैन है आज, और कैसा साउंड है वो आपको वीडियो के लास्ट में जो साउंड टेस्टिंग होगी उसमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइस पूरा सेटअप हो चुका है, साउंड की जो वायरिंग थी, जो भी अपनी सबवूफर की वायरिंग थी मींस बेस ट्यूब की, वो वायरिंग हमने कनेक्ट कर दी है, स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया है, और एसी करंट से हमने इस एम्पलीफायर को जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, एम्पलीफायर जुड़ने के बाद इसमें आपको एक ऑक्स का ऑप्शन है। मैं बीटी से नहीं चला रहा हूं, क्योंकि बीटी में थोड़ी सी साउंड क्वालिटी डाउन रहती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑक्स लगाई है। ऑक्स लगाने के बाद मैं साउंड की टेस्टिंग करने वाला हूं NCS नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का। वायरिंग बहुत ईजी है, वायरिंग में भी बहुत कुछ नहीं करना है, 2 आपको बूफर के तार मीन्स जो बेस ट्यूब है उसके तार लगाने हैं, आउटपुट जो दिया गया है उसमें, एंड स्पीकर आप कनेक्ट करते हो तो स्पीकर के लिए आपको मिल जाएगा स्विच, वहाँ पर आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, एंड साउंड की क्वालिटी आप मैनेज कर ही सकते हैं। तो बेस ट्यूब लग चुकी है, और बेस ट्यूब में आपको मैं इसमें NCS कॉपीराइट म्यूजिक चला के दिखाता हूँ। एंड बात करते हैं गाइज अगर बेस ट्यूब लेने की, तो गाइज अगर आप बूफर भी डायरेक्ट ले लेंगे, तो मैंने उसके वीडियो बनाए हैं बूफर को घर में वुडन बॉक्स में लगा के, वो आप अगर हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में है जिसकी लिंक, तो आप उसमें बहुत सारे बूफर की टेस्टिंग देखेंगे, तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर बजट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास सेकेंड हैंड सब बूफर या बेस ट्यूब है तभी आप ये यूज़ करें, क्योंकि इसका सेटअप थोड़ा सा महंगा पड़ता है, हालांकि साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है। अगर आप वीडियो को हेडफोन लगा के देखेंगे मींस सुनेंगे साउंड की क्वालिटी, तो आपको पता चलेगा कि साउंड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आ जाती है जो कार का सबवूफर होता है उससे, होम थिएटर के मुकाबले। तो गाइस देखेंगे
ये जो वायरिंग है ये है आपके स्पीकर की, तो स्पीकर भी हमने यहाँ लगा दिए हैं और उसके बाद हम पूरा जो बेस ट्यूब की टेस्टिंग है वो करने वाले हैं। तो इन सब प्रोडक्ट की जो भी मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ उन सबकी लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ जो मेन है ये एम्पलीफायर जो कि बहुत ही चीप है, चीप मतलब सस्ता है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस, क्वालिटी एक नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम करते हैं साउंड की टेस्टिंग, तो प्लीज़ अपने हेडफोन लगा लीजिए और देखते हैं आज इसकी साउंड टेस्टिंग विद नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। Thank you.